हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट एक्शन मूवीज यू शुड वॉच। और भाई इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी मूवीज मैंने आपके लिए लाई है कि अगर आप इन पांचों मूवीज में से कोई एक मूवी भी देख लोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये मूवी तो बहुत तगड़ी थी। तो भाई बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नंबर 5 पर आ रही है शूटर। तो दोस्तों इस शूटर मूवी की कहानी कुछ ऐसी होती है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हमला होने की खबर उनके गार्ड्स को मालूम पड़ जाती है और उसी के चक्कर में वो लोग एक शूटर को हायर करते हैं। बट शूटर को हायर करने के बावजूद वो प्रेसिडेंट को गोली लग जाती है और उसके बाद सबको ऐसा लगता है कि भाई ये शूटर ने ही गोली मारी है इसे। अब भाई ये सोच के ही आपका भी दिमाग खराब हो गया होगा। एक तो भाई पहले मुझे फोर्सफुली तुम लोग ने गनमैन बनाया और उसके बाद मुझसे ही गद्दारी। तो दोस्तों बाद में इस बंदे के साथ क्या होता है, क्या इसको प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड पूरा मार देते हैं या फिर ये बाकियों को भी मारने लगता है, वो आपको ये मूवी देखने के बाद मालूम करना चाहिए। क्योंकि पर्सनली जब मैं इस मूवी को देख रहा था भाई, मुझे तो काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मूवी लगी है। और भाई मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस मूवी को एक ट्राई जरूर दीजिए। इसके अंदर एक्टिंग बहुत ही अच्छी करी गई है और मूवी के अंदर इमोशन भी बहुत अच्छे से डाला गया है। इसी के साथ साथ नंबर 4 पर आ रही है द ग्रे मैन। तो भाई द ग्रे मैन में होता कुछ ऐसा है कि इसके अंदर एक बंदे के पास CIA के एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या फिर एक सीक्रेट चीज आ जाती है उस बंदे के पास, जिसकी वजह से जैसे ही CIA वालों को ये पता लगता है वो उसके पीछे अपने सारे बंदे छोड़ देते हैं उसको पकड़ने के लिए। और उसमें से तो भाई एक बंदा ऐसा होता है जो हर एक हद पार कर सकता है उस चीज को वापस लेने के लिए। अब भाई ये बंदा उससे कैसे फाइट करेगा, और सामने वाला भी कोई ऐरा गहरा नहीं भाई बल्कि क्रिस एवांस है। अब आप ही सोचिए और आप बस ये सोच के खुश मत हो यार, जाके सीधा आप इस मूवी को देख लीजिए। क्योंकि पर्सनली जब मैंने देखा था इस मूवी को तब भाई मैं तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और मैंने तभी सोच लिया था कि इस मूवी को भी अपनी वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। तो दोस्तों इस मूवी को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ बढ़ते हैं अपन अपने नंबर 3 मूवी की तरफ, जिसका नाम है ओलंपस हैज फॉलन। तो भाई इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि व्हाइट हाउस के अंदर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को ये लोग अपने बंदी बना लेते हैं। और बाद में प्रेसिडेंट को ये मालूम पड़ता है कि इनमें से एक इसका एक कोई खास आदमी है। अब वो आदमी इसको कैसे बचाएगा और जो भी टेररिस्ट थे वो क्या इसको टॉर्चर करके इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे, वो आपको ये मूवी को देख के ही मालूम करना चाहिए। क्योंकि भाई अगर मैंने इससे ज्यादा आपको बताया तो पक्का वो कोई स्पॉइलर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई स्पॉइलर दूं। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर एक्टिंग बहुत खतरनाक लेवल की करी गई है। इसके अंदर ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स लगाए गए हैं जिसको देखकर आप खुद बोलोगे अरे भाई ये क्या बना दिया इन्होंने, और कई सारे लोग तो रिलेट भी करेंगे कि हाँ भाई अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो ऐसे ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अब सीधा नंबर 2 मूवी की तरफ, केट। मेरे पास कितना वक्त है? एक दिन, मुझे मदद करने दो। उस तक कैसे पहुँच, मैं सब खत्म कर दूंगी। तो चलो धूम मचाते हैं। भाई इस मूवी की स्टोरी सुनकर तो आप भी बोलोगे कि भाई हाँ यार इस मूवी को तो देखना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक लड़की होती है जो एक बहुत बड़ी असैसिन होती है और वो एकदम प्रोफेशनल भी होती है, बट इसका कोई तो दुश्मन आ जाता है जो इसे जहर खिला देता है और वो 24 घंटे के अंदर अंदर मरने वाली है। बट उसका जो मिशन होता है कि उस बंदे को ढूंढना 24 घंटे के अंदर जिसने इसको जहर दिया है, और वो चाहती है कि वो 24 घंटे के अंदर उसको पहले मारे बाद में खुद मरे। और क्या वो बंदी उसको पकड़ पाती है वो आपको ये मूवी देखने के बाद मालूम करना पड़ेगा। क्योंकि भाई इसके अंदर काम ही ऐसा करा गया है। अब भाई आप ही सोचिए जिस मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी है जब आप उसको देखोगे तब आपको कितना अच्छा लगेगा। और मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि भाई आप लोग इस मूवी को बिल्कुल भी मिस ना करो, क्योंकि भाई बहुत अच्छी पिक्चर है टू बी ऑनेस्ट। तो बस दोस्तों इसके कुछ ज्यादा ही तारीफ कर ली। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी लास्ट और सबसे अच्छी मूवी पर, जो आ रही है नंबर 1 पर, जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। तो भाई एक्सट्रैक्शन की स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप में से कई सारे लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा ऑलरेडी, बट जिन्होंने नहीं देखा मैंने उनके लिए इस मूवी को इस लिस्ट पर ऐड किया है। तो भाई इसके अंदर की कहानी कुछ ऐसी होती है, अपना जो क्रिस हेम्सवर्थ होता है उसको कोई हीरो के बेटे को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड की डॉन के बेटे को बचाकर उसके माँ बाप के पास वापस लाना होता है, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। और आपको बीच बीच में तो ऐसा लगेगा कि भाई हो गया अब तो इसका हो गया काम, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ
इस मूवी को दिखाया गया है, एक पल में कुछ और होता है तो कभी दूसरे पल में कुछ और। देखने में मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मजा को जरूर लीजिए। तो भाई बस यही था टॉप 5 एक्शन मूवीज यू शुड वॉच। तो अगर आपको एक्शन मूवीज में इंटरेस्ट है तो मेरी और भी कई सारी वीडियोस हैं, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।